वालेकुम इम्तियाज भाई, खैर दा? क्या हाल है सर? ठीक ठाक खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। पहले कहीं नए रिलीजियस ने मुझे बोला था, ये रिलीज अभी आई है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीजेज में जी, ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई अभी तो। कुछ भी नहीं भेजा यार सर जी, आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं, अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 करोड़ मेरे कितने यार? अब 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं, 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है फाइनेंस के पास, 25 करोड़ दे रहा है, 25 करोड़ सी एम साहब का है। अच्छा सर, क्योंकि फाइनेंस उसने बुलाया था तो उसे जाके बिल लेना, उस पर यह था कि ये अनस्टैंड कैसे पड़े थे रिलीफ वाले, तो सी एम साहब ने कहा था उसको कि ये दिखा हमारे डी सी के अकाउंट में, इनको रिलीफ से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस में, 25 करोड़ रुपया सवाल भेज दो मेरे हल्के में एस डी जी में, और 25 करोड़ रिलीफ भेज दो अलियमीन को डी खान में। ठीक है सर, इसमें फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो 16 करोड़ आप कह रहे हो। 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात ही नहीं मान रहे, कल से हम लगे हुए हैं पी एन डी वालों के साथ भी, आज भी उनकी मीटिंग थी नए सी एम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ, लड़के को देता हूँ। 16 करोड़ हफ्ता पहले वाले थे या 15-20 पहले भी हुए थे? वो तो ज्यादा थे, 10-15 दिन पहले जो हुए थे वो वाले, फिर उसके बाद नहीं हुए थे। 2-3 दिन पहले और भी हुई है ना उससे मुझे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हुए, वो इन्होंने लेटर किए डीसीज को कि हमें डिमांड भिजवाएं, वो रिलीज नहीं हुए, वो रुके हुए हैं, वो ये जब हुकूमत चेंज हुई है उन्होंने रोक दिए, वो उसमें 1 रुपए भी रिलीज नहीं हुआ। मैं 10 करोड़ डाल दे रहा। ठीक है सर, वो हमने डाले हुए हैं आपके, तो हर आरोप उसमें हम डालते हैं।